वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज कड़ी मैं आपको ये जो तेरी पायलों की छमछम है इस वाले सॉन्ग के बीटसिंग पर कीर्ति शेट्टी के फोटोज लगाकर एक बेहतरीन और ट्रेंडिंग वाला स्टेटस कैसे बना सकते हैं इसका ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी कमाल का और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इसे आप अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला स्टेटस अच्छी तरह से बनाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। दोस्तों स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट लिंक लगेगा, सेके बीटसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं उन सभी की लिंक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप गूगल में www.technojoy.in सर्च करके हमारे मटेरियल्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों स्टेटस बनने के लिए आपको हमारे वेबसाइट से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरह का हमारा सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से ही ऑडियो ऐड करके रखा है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर बीट मार्कर लगा दे, रेड कलर में आप देख सकते हैं बीट मार्क लगा दे। अब हमें इमेजेस को ऐड कर लेना है और इन इमेजेस में इफेक्ट्स को लगा देना है। तो आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और आज हम कीर्ति शेट्टी के फोटोज पर फिर एक बार स्टेटस बनने वाले हैं तो फोटोज को आपको ऐड कर देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से इमेज को ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इस इमेज को फिल स्क्रीन पे इनेबल कर दिए। इसके बाद आपको पहले वाले बिट मार्कर पर जाना है। इस वाले बटन की मदद से दोस्तों आप एक क्लिक में अगले बिट मार्कर पर जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अगले बिट मार्कर पर आने के बाद इस वाले बटन से आपको इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर देना है। एक लेने के बाद फिर से एक बार बैक आना है, प्लस आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर नेक्स्ट इमेज को ऐड कर दे। दोस्तों ऐसे भी इमेज हमारे वेबसाइट में ऑल मटेरियल्स के फोल्डर में मिल जाएगी तो वहाँ से आप उसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इमेज को ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है और इस वाला जो बटन है जहाँ पर मेरा कर्सर है वह उस वाले बटन पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट वाले बिट मार्कर पर जाना है एक टच में और इस इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको ट्रिम कर देना है। दोस्तों इस तरह से आपको वन बाय वन सभी इमेजेस को प्लस का आइकन पे क्लिक करके ऐड करना है, उसकी साइज को उसको फुल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। ये प्रोसेस आपको दोस्तों जितने भी हमारे बिट मार्कर है जितना और सॉन्ग है उसके एंड तक कर देना है। तो यहाँ तक आपको इसको इस प्रोसेस को कर देना है। दोस्तों मैं सभी इमेजेस को ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को ऐड कर दिया है। आपको भी सभी इमेजेस को सॉन्ग के एंड तक ऐड कर लेने के बाद स्टार्टिंग में आना है। दोस्तों अब हमें इमेजेस में इफेक्ट्स को लगा देना होगा। तो आपको क्या करना है, मेरे वेबसाइट पर सेके बीटसेट लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगी, उस इफेक्ट को आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह का हमारा सेके बीटसेट लिंक है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें पहले से इफेक्ट लगे हुए हैं। तो आपको इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इन इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर दे। दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट है, तो ये सभी इफेक्ट्स हमारे कॉपी हो चुके हैं। अब हमें हमारे इमेजेस में स्टेटस में इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो आपको बैक आना है पहले वाले प्रोजेक्ट में। तो आप देख सकते हैं सॉन्ग बीटमार्क प्रोजेक्ट हमारा ये उसमें आ जाना है जो हमने क्रिएट कर रखा है इमेज ऐड करके। दोस्तों एक लाइन पहले इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके इन इफेक्ट्स को पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। तो सभी इफेक्ट हमारे पहले वाले इमेज में लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इमेज पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इस भी इमेज पर आपके वाले इफेक्ट्स पेस्ट कर देना है। दोस्तों इस तरह से आगे वाली जितनी भी इमेज है स्टार्टिंग से एंड तक सभी इमेजेस में आपको ये इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा। दोस्तों सभी इमेज को आपको इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों अभी भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है दोस्तों, तो आपको वीडियो को देखते रहना है। तो दोस्तों मैं सभी इमेज को इफेक्ट पेस्ट करके दिखाता हूँ, उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए कितना कमाल का हमारा इफेक्ट इसमें लग चुका है, बीट के साथ काफ़ी अच्छी तरह से ये दिखाई देता है। दोस्तों हम सभी इमेज में इफेक्ट पेस्ट करते हैं तब तक वीडियो स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों पहले फोटो से आखिरी फोटो तक सभी इफेक्ट्स को पेस्ट कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद दोस्तों हमें इसमें एक ब्लिंक इफेक्ट लगा देना है एक फोटो में। तो कहाँ पर लगा देना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इमेज देखिए, पहले वाली इमेज, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं और छठी इमेज। तो छठी इमेज आप देख सकते हैं साइज में ड्यूरेशन में काफ़ी बड़ी है। ये देखिए ये सबसे बड़ी इमेज है हमारे स्टेटस में, तो इसमें हमें ब्लिंक वाला इफेक्ट लगा देना है। तो आपको यहाँ पर देखिए ये वाला एग्जैक्ट आना है आपको 5.51 या 50 सेकंड पर, 5.50 या 50.1 सेकंड पर आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप दिखाई देगा, उस पर आपको टच कर देना है। इस रेक्टेंगल शेप को स्टेटस में ऐड कर देना है। इसको ऐड कर लेने के बाद
इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए इस तरह से। फुल स्क्रीन करने के बाद कलर एंड फिल में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर दीजिए। ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस वाले बटन की मदद से आपको अगले वाले बिट मार्कर पर जाना है। अगले वाले बिट मार्कर पर आने के बाद इस रेक्टेंगल शेप का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको इस वाले बटन की मदद से ट्रिम कर देना होगा। दोस्तों एक कर लेने के बाद अब हमें इसमें ब्लिंक इफेक्ट लगा देना है रेक्टेंगल शेप में। तो आपको इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर ऑपेसिटी एंड विजिबिलिटी में ब्लिंक वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर दीजिए। दोस्तों अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, तो जितनी मैक्सिमम हो सकती है 16 हर्ट्ज हो जाएगी मैक्सिमम, तो उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी रख देना है। दोस्तों एक करने के बाद आपको बैक आना है, तो मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखा दोस्तों आपको। ये देखिए कितना कमाल का हमारा बीट के साथ ए वाला इफेक्ट और ए वाला ब्लिंक इफेक्ट और साथ में हमारा पेस्ट किया हुआ इफेक्ट दोनों भी एक अच्छे तरह से दिखाई देते हैं। दोस्तों एक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने दोस्तों आपको ऑल मटेरियल्स में एक वीडियो इफेक्ट दिया है लिंक, उस वीडियो इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। हमारे वेबसाइट से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं ऑल मटेरियल्स में, उसकी वो इफेक्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ कौन सा इफेक्ट है वो। दोस्तों देखिए ए वाला इफेक्ट है, इस वाले इफेक्ट को आपको ऐड कर देना है होगा। ऐड कर लेने के बाद थोड़े पे क्लिक करना है और इसे फिर स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। एक करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी में जाना है, लाइटन में इसे स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। दोस्तों इसकी ऑपोसिटी है उसको आपको थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, कम कर दीजिए 50 या 60 के बीच में रख दीजिए, जितना आपको अच्छा लगता है। आप प्ले करके वीडियो देख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए उतनी इसकी ऑपेसिटी रख सकते हैं। दोस्तों एक करने के बाद आपको देखना है कि ये एक्स्ट्रा तो नहीं है, हमारे स्टेटस के आगे तक नहीं गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए ये हमारा जो वीडियो हमने इफेक्ट वीडियो ऐड किया है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे स्टेटस से आगे भी जाता है, तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको ट्रिम कर देना है। तो आखिर वाले इमेज पे आ जाना है और इस इमेज के आगे वाला जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे, और इसको एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर दीजिए। दोस्तों एक कर लेने के बाद स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज वीडियो में जाना है और अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी लोगो आप लगाना चाहते हैं उस लोगो को ऐड करके उसकी साइज सेट करके अपने लोगो को इस वीडियो में ऐड कर देना है। दोस्तों अब हमारा पूरी तरह से स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना कमाल का हमारा यहाँ पर स्टेटस बन चुका है। दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेने के लिए एक्सपोर्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, वीडियो में जाकर वीडियो एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल फुल HD में दोस्तों आसानी से एक्सपोर्ट होगा, और जिनके मोबाइल में नहीं होगा वो 720 पिक्सल में ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों क्वालिटी फुल रख दीजिए और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों कुछ ही 2-3 या 4 मिनट के बाद अपना वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने वीडियो को अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताया, अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और रेसिपी थिन स्टेटस एडिटिंग टूटल में, तब तक लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।